बरसात का मौसम ना भले ही आपको अच्छा लगता हो, लेकिन ये मौसम किचन के लिए बहुत ही खराब होता है। और आप सोच रहे होंगे कैसे, और जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको तो समझ आ गया होगा। और कौन सी वो बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यश टीवी पर। बन चुकी है आपके साथ आपकी दोस्त मनप्रीत। दोस्तों बरसात का मौसम में ना क्या होता है, जिस किचन में हम अपना सारा सामान रखते हैं उसमें जैसे नमक रखते हैं और मसाले रखते हैं, वो क्या होता है, वो सीलन उनमें आ जाती है और हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कैसे इस सीलन से छुटकारा पाया जाए, कैसे इसकी जो नमी है उसको दूर किया जाए। तो कुछ ऐसे टिप्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, अगर आपका नमक है जो वो आपको लग रहा है कि उसमें पानी जो उसने छोड़ना शुरू कर दिया है बरसात के मौसम के कारण, आपका जो नमक है वो खराब हो गया है, तो आप उसमें लौंग रख सकते हैं। बिल्कुल लौंग जो है वो सारी नमी सोख लेते हैं और आपका जो नमक है वो एकदम सही रहेगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप मसालों में जो अगर आप मसाले किसी चीज में रख रहे हैं, आमतौर पर क्या होता है कि हम प्लास्टिक के जो एयर टाइट डिब्बे होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें नमक या फिर मसाले रखने के लिए जो कांच के बर्तन होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, आपका नमक और आपके जो मसाले हैं वो एकदम बिल्कुल सही रहेंगे। और आप क्या कर सकते हैं अपने नमक और मसालों को बचाने के लिए, आप उन्हें फ्रिज में रख सकते हैं। आप कांच के जो बर्तन होता है, जो डिब्बा होता है, आप उसमें मसालों को डाल के फ्रिज में रख सकते हैं, जब आपको यूज करना हो आप निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपके मसाले हैं वो भी सही रहेंगे और आपका जो खाना है वो भी स्वादिष्ट बनेगा। ये थी दोस्तों कुछ ऐसी बातें जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ध्यान में रख के ही हम अपने किचन की रानी बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपके लिए लेकर आती रहती हूँ ऐसी अच्छी अच्छी बातें। अगर और भी कुछ अच्छी बातें जाननी है, सुननी है, तो देखते रहिए यश टीवी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।